नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को बहुत ही चतुर और सभी कलाओं का जानकार बताया गया है। श्री कृष्ण ने कई बार चतुराई का उपयोग करते हुए ऐसे काम किए जिन्हें छल माना जाता है। आज हम ऐसे ही 5 प्रसंग बताएंगे जब श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत दिलाने में करवाया। अर्जुन को बचाया था कर्ण के दिव्य अस्त्र से। महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र को डर था कि उनका पुत्र अर्जुन कर्ण से जीत न जाए, जब तक कि कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं। इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसके कुंडल और कवच दान में मांगे। कर्ण के इस दान स्वभाव से इंद्र प्रसन्न हुए और उन्हें उसे एक दिव्य अस्त्र दिया था। इंद्र ने कर्ण से कहा था कि ये दिव्य अस्त्र सिर्फ एक बार चल सकता है और जिस पर भी इसका उपयोग किया जाएगा वह इंसान हो या देवता बच नहीं सकेगा। कर्ण ने यह दिव्य अस्त्र अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। कर्ण चाहता था कि इस दिव्य अस्त्र से ही अर्जुन को युद्ध में पराजित करे। श्री कृष्ण ने ये बात जानते थे कि कर्ण के पास जब तक ये दिव्य अस्त्र है पांडव कौरवों को हरा नहीं सकते और इस दिव्य अस्त्र के रहते अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर पाए। इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भीम के विशालकाय पुत्र घटोत्कच को ले आए। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा घटोत्कच का सामना नहीं कर पा रहा। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिव्य अस्त्र का उपयोग किया और घटोत्कच को मार दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्ण के दिव्य अस्त्र का उपयोग करवा दिया और अर्जुन को बचा लिया। श्री कृष्ण की चतुराई से दुर्योधन की जांघ नहीं बन पाई लोहे की। महाभारत युद्ध के समय गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को पूरी तरह नग्न अवस्था में बुलाया था। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहे थे। तब श्री कृष्ण दुर्योधन को नग्न देखकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। ये बात सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांघा वाले हिस्से को केले का पत्ता लपेट लिया और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गए। गांधारी ने अपनी आंखें पर पट्टी बांधी थी। जब उसने वह पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली तो इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांघा के अलावा पूरे शरीर लोहे के समान। जांघा लोहे की तरह इसीलिए नहीं हुई क्योंकि दुर्योधन ने जांघा पर केले का पत्ता लपेट लिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि गांधारी के नग्न दुर्योधन पर दिव्य दृष्टि डाली तो उसका पूरा शरीर लोहे के समान हो जाएगा। इसके बाद कोई भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन की जांघों को केले के पत्ते से ढका दिया। इसी कारण दुर्योधन की जांघा लोहे के समान नहीं हो पाई और शेष पूरा शरीर लोहे का हो। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मरवाया था छल से। युद्ध में भीम और दुर्योधन का आमना सामना हो, तब भीम दुर्योधन को किसी भी प्रकार पराजित नहीं कर पा रहा क्योंकि दुर्योधन का शरीर लोहे की तरह बन चुका था और भीम की गदा के प्रहारों का कोई असर उस पर नहीं हो रहा था। ये देखकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन की जांघा पर प्रहार करने के लिए भीम को इशारे में घुसाया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन की जांघा पर प्रहार किया जिससे दुर्योधन घायल हो गया। सिर्फ दुर्योधन की जांघा ही लोहे की तरह नहीं बन पाई थी। गदा युद्ध में एक नियम यह भी था कि योद्धा एक दूसरे पर सिर्फ कमर के ऊपर ही प्रहार कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण के उकसाने पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे जांघा पर गदा से प्रहार किया था जिसे बलराम श्री कृष्ण पर क्रोधित भी हुए थे। जयद्रथ को भी मरवाया था धोखे से। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेले अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं अग्नि समाधि ले लेगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा के लिए तैनात कर दी गई। सभी जानते थे कि किसी भी प्रकार जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचा लिया तो अर्जुन खुद ही अपने प्राणों का अंत कर ले। अर्जुन के बिना कौरव आसानी से पांडवों को हरा सकते थे। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य कुछ देर के लिए अपने सुदर्शन चक्र में छिपा जिससे ऐसे लगने लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य अस्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने आ गए और हंसने लगे। ठीक उसी समय सूर्य पुनः निकल आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। श्री कृष्ण की चतुराई से ही अर्जुन ने भीष्म को हराया था।
महाभारत युद्ध की शुरुआत में ही कौरवों के सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी थी। उस समय पांडवों के लिए यह जरूरी हो गया कि किसी भी तरह पिता भीष्म महा को पराजित किया जाए। भीष्म को पराजित करना बहुत मुश्किल था, इसलिए श्री कृष्ण युद्ध में शिखंडी को लेकर आए। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। भीष्म ये बात जानते थे कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, इसलिए भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे। युद्ध में श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन की ढाल बनाई। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने शस्त्र रख दिए, क्योंकि वह किसी भी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठा सकते। इसका फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर बाणों की बारिश कर दी और भीष्म बाणों की शैया पर पहुंच गए। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।